हेलो दोस्तों, निकल पड़े हम अपने सफर पे हरियाली देवी मंदिर के लिए। लेकिन इस रूट पे एकदम विजिबिलिटी जीरो हो चुकी है, आप भी देख लीजिए। विजिबिलिटी एकदम ना के बराबर, एकदम जीरो। काफी टॉप में हम अभी। चलो दोस्तों आगे देखते हैं मौसम कैसा मिलता है। मौसम साफ होगा तो काफी खूबसूरत वादियां मिलेंगी वहां पे। ओके दोस्तों, ये दोस्तों हमारा भैंसोड़ा गांव से ट्रैक शुरू हो चुका है। ये पड़ता है डिस्ट्रिक्ट पौड़ी में, और एक ट्रैक यहाँ का डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग से भी आता है। गौचर से भी आप इस हरियाली देवी के मंदिर में आ सकते हैं। वो उसमें ट्रैकिंग भी कम है लगभग। उस वाले रूट में गौचर से एक रूट कटता है, उस पे 2 किलोमीटर का ट्रैक है, लेकिन ये वाला ट्रैक आपको 8 किलोमीटर का पड़ेगा। हम क्योंकि पौड़ी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो इसीलिए हम इस रास्ते पे चल रहे हैं। ओके दोस्तों, ये लगभग 2 किलोमीटर पहुंच चुके हैं। सभी दोस्तों ने रेस्ट लेने का सोचा, थोड़ा सा हल्का पानी पियेंगे। पानी पीने के बाद दोबारा ट्रैक शुरू करेंगे। तो मेरे पहुंचते शुरू भी कर दिया। चलो दोस्तों, एकदम खड़ी चढ़ाई का रास्ता है। गौचर के रास्ते आए, मेरा कहना यही है। बाकी जो ट्रैकिंग के शौकीन है वो इसी रास्ते पे आए। हाँ, बहुत खड़ी चढ़ाई है एकदम। यहाँ पे एक छोटा सा ताल, इसमें भैंस नहा रही है, छोटा सा ताल। भाई सब लोगों, इस ताल का नाम क्या है? इसको दोरखेला का ताल बोला जाता है। दोरखेला का ताल वेरी गुड। ये हमें स्थानीय लोग मिले हैं यहाँ पे, बहुत ही अच्छी बात बताई इन्होंने। थोड़ा सा डाउन का रास्ता आया है, ये दोस्त है यहाँ पे एंजॉय लेते हुए। तेज करो, वॉल्यूम वॉल्यूम। अच्छा, रुकावट के लिए खेत है। अच्छा, पेड़ ने रास्ता रोक दिया। इधर ले, इधर से चांस हो जाएगा। इसके नीचे से जाना पड़ेगा। आते जाओ आते जाओ। कोई ऊपर से कोई नीचे से। चलो सही पहुंच गए। यहाँ अपनी चिंता नहीं है, भैंस की चिंता हो रखी है। अंधेरे वाला रास्ता शुरू हो गया, पूरा घना जंगल चारों तरफ। अभी हमें यहाँ पे हमारे दो स्थानीय दोस्त मिले हैं जो हमको आज गाइड करेंगे यहाँ ले जाकर। हरियाली देवी का ट्रैक हमको यही लोग करवाएंगे। आपका नाम? जी, और आज हम दर्शन कर रहे हैं। वेरी गुड, थैंक यू दोस्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ, आप लोग अपना काम वगैरह छोड़ के हमारे साथ तैयार हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इनका शॉर्ट नेम नरू भाई, निक नेम। ठीक है दोस्तों, हड़पति धार में पहुंच चुके हैं।
खैर हमें तो नाम पता नहीं था, पर इन दो लोगों ने बताया खड़पतिया धार इसको बोलते हैं। सभी दोस्त यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि एक धार यहाँ पे रेस्ट करने के लिए है। इसके बाद फिर से थोड़ा सा चढ़ाई और यहाँ पे एक छोटा सा शिवजी जी की शिला है जिसमें अभी अगरबत्ती धूप वगैरह हमने जला दी है, जो कि इस रास्ते में यात्रा करने वालों को थोड़ा सा मदद करता है। चलो दोस्तों आगे मिलते हैं। हाँ जी हाँ जी ठीक है, ये आपके पूर्वजों ने रखा हुआ है। ठीक है, इस जगह को क्या बोलते हैं? रोहतो पठली। ओके दोस्तों, यहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिखना था लेकिन आज हमारी किस्मत भी अच्छी नहीं है कि आपको व्यू दिखा पाए, क्योंकि हम बहुत हाइट में पहुंच चुके हैं। ओके ओके, आपने सही सूचना दी है, बहुत बहुत धन्यवाद नरू भाई आपका। हाँ, जगह का नाम रोहतो पठली। ओके इस कुंड का एकदम शीतल जल है, इस पानी को पिया जा सकता है और अभी हमने भर नहीं है फिलहाल तक, अभी और दोस्तों को आने देते हैं। और ये पानी शीतल है, पीने योग्य है, बिल्कुल और इसमें बस कुछ सिक्के वगैरह डाले हुए हैं, कुछ यहाँ पे लोग चढ़ाते हैं कुछ। ओके, यहाँ पे ये भेंट चढ़ाते हैं, एक भेंट हम भी अपनी अपने तरफ से। बहुत ठंडा पानी है, जरा चेक कर लेते हैं। अरे वाह वाह वाह, पानी भी हमने भर लिया यहाँ पे। ये लोगों, ये रास्ता बहुत डेंजर है, असवाल जी बहुत आराम से आना क्योंकि नीचे एकदम बहुत बड़ी खाई है। ये मैं खाई भी दिखा रहा हूँ क्योंकि कोहरे से खाई दिख नहीं रही है, पर खाई बहुत ज्यादा है। लो साइड होना पड़ेगा। ओके आओ दोस्तों, बहुत डेंजर है, आराम से, बिल्कुल चाहे तो घास पकड़ ले, कुछ पकड़ ले। नीचे दिखा दी खाई तो बहुत खतरनाक है यार। आराम से असवाल जी हैं, बहुत आराम से। अभी दोस्तों हम इस जगह पर खड़े हैं कि दोनों तरफ खाई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारे राइट में भी खाई और लेफ्ट में भी बहुत बड़ी खाई है, तो दोनों तरफ बीच में बिल्कुल ये तलवार की धार पे, तलवार की नोक पे रास्ता बना हुआ है ये। हेलो फ्रेंड्स, इस समय बहुत ही अच्छी व्यू में बैठे हुए हैं लेकिन आज किस्मत से मौसम साफ नहीं है तो इसलिए व्यू नहीं दिखा पा रहा हूँ मैं, इसके लिए सॉरी। और यहाँ पे हमारा टी टाइम शुरू हो गया है, हम चाय बना के लाए थे अपने साथ और सारे दोस्त यहाँ पे चाय का लुत्फ उठा रहे हैं। ये हम एकदम टॉप पे खड़े हैं, यहाँ से बहुत अच्छा हिमालय दिखना था, अब वो था ही, अब क्या बोल सकते हैं, इस समय कुछ नहीं है, थोड़ा सा मौसम ने आज साथ नहीं दिया, इसका बड़ा खेद है मुझे भी। एक भी गलती करी
रास्ता इस रास्ते में बहुत रिस्क है, जो कोई भी आए तो थोड़ा सा संभल के आए और लोकल गाइड के बगैर तो कभी ना आए। सभी दोस्त एक एक करके नीचे उतर रहे हैं और ये बिल्कुल नीचे चट्टान बहुत बड़ी, किसी का फेर फिसला भी तो नामुमकिन है। अब आगे क्या बोलूं, आप खुद समझ सकते हैं। ये लास्ट में हमारा लोकल दोस्त नर्रू, इनको तो आदत है, ये बहुत जल्दी उतर गया। दोस्तों ये ट्रैक बहुत ही टफ है, मेरी उम्मीद से काफी गुना ज्यादा टफ निकला ये ट्रैक, इतना सोचा नहीं था। आगे हमारे जो गाइड है वो बालू की वजह से थोड़ा सा शोर से शराबा करते हुए, और पीछे से ये तीन दोस्त, अरे अरे रे रे, अपने बोगना जी पहुंच गए हैं राकेश भाई, और ये लिंगवाल जी पीछे से आए, और अपना पीछे सभी जानते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में अपने राकेश भाई। खूबसूरती थी लेकिन मैं बार बार वही कह रहा हूँ, आज मौसम ने साथ नहीं दिया। और ये देखिए एकदम खड़ी चढ़ाई है, बिल्कुल आप इसको 80 डिग्री की चढ़ाई कह सकते हैं। और चार दोस्त, दो ये दो पीछे लगे हुए दोस्तों, और रास्ता काफी टफ है, आराम से आना। जगह मैं खड़ा हूँ इसको खड़ा नहीं कह सकते, ये मैं बिल्कुल अटका हुआ हूँ इस जगह पे, सिर्फ यहाँ पे दो पैरों की रखने की जगह है, बाकी ये भाई लोग भी आ रहे हैं, इन्होंने भी देखना है रास्ता, बाकी इस पगडंडी पे जाना है, नीचे सीधे गिरने का डर है। फाइनली दोस्तों मंदिर पहुंच चुके, मंदिर आए, घंटी जरूर बजे। आपको मंदिर के साक्षात दर्शन कराते हैं, बहुत सुंदर मंदिर है। दोस्तों हम मंदिर से नीचे आ चुके हैं,
अब मैं उस चट्टान के पास हूँ जो सबसे टफ इस जगह का ट्रैक था। यहाँ पे से रास्ता है और इस चट्टान पे सिर्फ इतना सा रास्ता बना हुआ है कि एक पैर की ही जगह रखने की है। वो पैर फिसला तो आप सीधा, ये देख लीजिए बिल्कुल बड़ी खाई है, आप सीधा मौत के मुंह में है। इस ट्रैक को आसान ना समझे। आप दोनों भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको इतना अच्छा ट्रैक करवाया। ये हरियाली देवी का ट्रैक था जो कि हमको लगभग 13 किलोमीटर का ट्रैक पड़ा। ये काफी टफ ट्रैक था। इनका बोलने का मतलब है कोई भी इस ट्रैक को करना चाहता है तो मुझसे संपर्क करें। मेरा YouTube चैनल है गौरव गढ़वाली ट्रैकर, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको इनका नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके दोस्तों। हाँ दोस्तों, मेरा अनुभव ये रहा है कि इस ट्रैक में काफी टफ ट्रैक था। ये मेरे अनुभव के हिसाब से ट्रैक काफी टफ है, लेकिन इस ट्रैक के दोस्तों दो रास्ते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग से है जो कि गौचर से रोड कटती है, वहाँ से समथिंग 4 किलोमीटर ट्रैक है, वो साइड में काफी इजी ट्रैक होगा। अगर जो किसी को एडवेंचर का शौक है तो इस पैसोड़ा गांव से ट्रैक करने का कर सकते हैं, और किसी को एडवेंचर से मतलब नहीं है तो वो सिर्फ गौचर के रास्ते ही